मध्य प्रदेश में 3 दिन में 10 हाथियों की मौत के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले को लेकर गंभीर हो गए हैं। शनिवार को गोवर्धन पूजा के दौरान उन्होंने मंच से स्पष्ट कर दिया कि अब दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कमेटी बनाकर तुरंत भेजा है, किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि हाथियों के घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके तक नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे। दरअसल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जहरीला पदार्थ खाने से 10 हाथियों की मौत हो गई। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि हाथियों ने कोदो खाया था और उसके बाद 1 किलोमीटर दूर जाकर वे बीमार पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना ने राज्य से लेकर केंद्र तक हड़कंप मचा दिया। सभी लोग हैरान हैं कि अचानक इतने हाथियों की मौत कैसे हो गई। मौत की वजह जानने के लिए केंद्र और राज्य की वाइल्ड लाइफ एजेंसी की टीम बांधवगढ़ पहुंचकर हाथियों के शवों का परीक्षण कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मामले को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने एक उच्च स्तरीय टीम के साथ साथ वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और 2 सीनियर अधिकारियों को उमरिया जाकर वहां की डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मंत्री दिलीप अहिरवार और अन्य अधिकारी ग्राम सलखनिया में पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा, हाथियों की मौत की जांच के लिए 29 अक्टूबर को ही एक टीम बना दी गई थी। मैं यहां की स्थिति का जायजा लेने आया था। हम जल्द ही जांच रिपोर्ट सीएम के सामने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।